हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर मार्केट फ्रेंड अगेन। आज मैं आपके साथ जी ग्रुप के अंदर जो ओवरऑल टोटल मूवमेंट चल रहा है उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करने वाला हूँ। तो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे निकाल के रखे हैं कि वो किस वजह से ये सब हो रहा है, और बाकी एस्पेक्ट भी इससे जो बिज़नेस लर्निंग हमें मिलता है तो वो भी मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर पहले मैं बता देता हूँ कि रिसेंटली एक द वायर मैगजीन जो है, न्यूज़पेपर वगैरह है, न्यूज़ सोर्स है, उसके अंदर एक न्यूज़ आया था रिलेटेड टू जी ग्रुप की, जो नित्यांग फार्मा करके जो कंपनी है, नित्यांग इंफ्रा करके, तो उसका जो डीमोनेटाइजेशन में 3,000 करोड़ का कुछ इन्वॉल्वमेंट था, उनके अकाउंट में जमा हुए थे डीमोनेटाइजेशन के टाइम। तो उसकी इंक्वायरी जो SFI जो स्पेशल फिनेंशियल इन्वेस्टिगेशन ऑफेंसेस विंग वगैरह कुछ तो फुल फॉर्म है, तो वो जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो उसमें द वायर ने रिपोर्ट किया कि जी ग्रुप का कनेक्शन होने के चांसेस है। तो वो न्यूज़ प्लस और बाकी कुछ डेवलपमेंट्स आई तो उसके वजह से जी ग्रुप के शेयर में फ्राइडे के दिन मतलब 25 जनवरी फ्राइडे को फॉल आया। तो ये फॉल बहुत स्टिप था, लगभग 2-3-4 साल पहले का लो इसने टच किया 300 रुपये का। तो वहाँ से बाउंस बैक होके मंडे को जब ओपन हुआ तो लगभग 10 से 15% उस डे के दिन का उसने रिकवर कर लिया था। तो अगर आप लॉन्ग टर्म ग्राफ देखेंगे तो जी ने लगभग उसका 2015 का जो लो था और 2014 का और 15 के बीच में जो लो था वो टच किया था एक ही दिन में। उसके बाद उसकी जो जी प्रमोटेड कंपनीज है, सुभाष चंद्रा जिसके MD हेड वगैरह हैं, तो वो ग्रुप में भी सेम मोमेंट आप देख सकते हैं। तो अचानक से ये स्टिफ फॉल आ गया था। उसके बाद SL प्रोपैक वगैरह जो बाकी की कंपनीज़ हैं उनके अंदर भी सेम मोमेंट नोट किया गया। सबसे बड़ा जो फॉल था वो जी ग्रुप में था, जो कि निफ्टी की कंपनी, निफ्टी के कंपनी में एक्चुअली ऐसा होना तो रियली इट इज शॉकिंग थिंग, बट फिर भी हम देखेंगे। ओके, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि सबसे पहले तो उन्होंने नित्यांग इंफ्रा और उससे रिलेटेड डीमोनेटाइजेशन से रिलेटेड लिंक होने की न्यूज़ द वायर ने ली, ये की थी उनके पोर्टल पे। तो वो जैसे ही मार्केट में स्प्रेड हो गई तो बहुत वाइब्रेशंस बढ़ गए इसके स्टॉक में। बट लोगों को लगता है कि, या फिर सबका अंडरस्टैंडिंग एक कन्फ्यूजन की वजह से, न्यूज़ कन्फ्यूजन की वजह से ऐसा हो गया कि ये जो नित्यांक इंफ्रा या फिर जो SFIO वायर की न्यूज़ थी वही इसका एक कॉज था। मगर जब ये शेयर अचानक से गिरने लग गया तो बाद में एक ओपन लेटर जो उनके सुभाष चंद्रा जो हेड है जी ग्रुप के या फिर जी कंपनीज के, बहुत सारे कंपनीज के, तो उन्होंने एक ओपन लेटर इशू किया जो कि आप गूगल पे सर्च करेंगे या फिर यूट्यूब पे भी बहुत घूम रहे हो। तो वो लेटर के अंदर उन्होंने जो डिस्क्लोजर्स दिए उससे, और ये जो मैटर है ये इससे लिंक है कि नहीं वो तो कन्फर्म नहीं हुआ, मगर बहुत सारे अलग इशूज़ इसके अंदर ओपन हो गए। तो सबसे पहला इशू ये था कि मार्केट में अचानक से इतने स्टॉक का सप्लाई आया कहाँ से। तो लगभग जब जी का फ्राइडे को शेयर गिरने शुरू हुआ था तब लगभग जो जी की टोटल मार्केट कैपिटल है उसमें से 0.8-1% के लगभग बिलो 1%, मगर अगर वो नंबर ऑफ शेयर्स अगर उसको देखेंगे तो बहुत ज़्यादा शेयर्स हो जाता है एक दिन के ट्रेड के लिए। तो इतने सारे शेयर्स मार्केट में बेचने के लिए आ गए। तो इसका रूट कॉज क्या था, ऐसा कौन था कि जो इतने लार्ज क्वांटिटी में, लगभग जो जी में इतने अच्छी कंपनी है उसके अंदर अचानक से 1% स्टेक अनलोड कर रहा है, जबकि एक छोटी मोटी खबर जिसका कंफर्मेशन भी नहीं है वो द वायर में आई है। तो इसका एक्चुअली रूट कॉज ये था कि जी कंपनी ने उसके कुछ शेयर जो हैं, लगभग उनके 7 कंपनीज़ हैं जी ग्रुप के अंदर, तो उसमें से वो जो जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड है या फिर बाकी जो कंपनीज हैं उनके 60% मेजर पार्ट शेयर उनके प्रमोटर्स ओन करते हैं, उसमें से 30% उन्होंने प्लेज करके रखे हैं, मतलब गिरवी रखे हैं किसके पास, तो अलग अलग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि उनको पैसे देते हैं लोन के अगेंस्ट, जिसको कहा जाता है LAS, लोन अगेंस्ट शेयर्स। ये एक कंसेप्ट है, एक्चुअली एक लर्निंग मिलता है हमको ये जी ग्रुप के जो पूरा मैटर हुआ है या फिर इशू हुआ है उससे, कि हम लोग अगर कोई कंपनी निकालते हैं तो उसका अगर मार्केट में अच्छा खासा एस्टेब्लिशमेंट होता है तो उसके शेयर्स यूज़ करके हम लोग एज पैसे उठाने के लिए या फिर इमरजेंसीज के लिए बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो ये एक नया लर्निंग जिनको पता नहीं उनके लिए इससे एक पता चलता है। तो ऐसे उन्होंने LAS स्कीम के अंडर 30% शेयर उनके प्लेज करके रखे थे। तो अभी ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कि CLSA वगैरह,
या फिर जो भी लेंडर्स रहते हैं, बड़े बड़े एनबीएफसीज होते हैं, वो जब भी कोई शेयर्स किसी को शेयर्स के अगेंस्ट पैसे देते हैं, तो उनका एक सिंपल ऐसा रूल होता है कि सिंपल मतलब ऐसा प्रिसाइज नहीं होता, एक कैलकुलेशन होता है सेफ्टी के लिए। ये सेम ऐसा कैलकुलेशन गोल्ड के रेंटिंग के टाइम भी यूज़ होता है कि 100 रुपये के शेयर्स अगर आप रखते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको हेयर कट करके 80 रुपीज़ या फिर 50 रुपीज़ तक पैसे मिल सकते हैं। तो इन्होंने जो 30% शेयर्स रखे थे तो उसके अगेंस्ट उन्होंने कुछ पैसे उठाए थे। ओके, तो ये जो शेयर है अचानक जब गिरने शुरू हुआ, तो शायद एक्चुअली ये पूरी स्टोरी को कंफर्मेशन नहीं, मगर जैसे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं तो यही इससे कंक्लूजन निकलता है कि जैसे ही वो शेयर का प्राइस गिरने लग गया तो प्लेज शेयर का जो रेशियो है वो ट्रिगर होने लग गया। उसके वजह से जो जिनके पास ये शेयर प्लेज थे उन्होंने लगभग 1% तक शेयर बेचने को निकाले और वो रेशियो वो मेंटेन करने की कोशिश करने लग गए। तो उसके वजह से प्लेज नंबर ऑफ प्लेज शेयर उनके पास कंपेयर टू ये जो शेयर्स प्लेस थे और उन्होंने पैसे दिए थे वो रेशियो डिस्टर्ब होने की वजह से सिक्योरिटी करके उन्होंने 1% सेल कर दिया और वो पैसे वहाँ से वसूल करने लग गए। तो अभी जी ग्रुप के लिए बहुत निगेटिव चीज़ है कि उन्होंने जो प्लेस शेयर उनके जो शेयर प्लेच किए थे वो मार्केट में बेचने के लिए आ रहे हैं, जो कि उन्होंने गिरवी रखे थे, उन्होंने जिसके पास गिरवी रखे थे उसको वो हक है कि वो सेल कर सकता है। तो ये एक डेवलपमेंट हो रहा था। और अगर शेयर का भाव और नीचे जाता है, हालांकि वो अभी रिकवर हो रहा है, 316-320 वगैरह तक रिकवर हो गया, मगर अगर फ्यूचर में और डेवलपमेंट्स होते हैं और वो शेयर अगर नीचे गिरता है तो डेफिनेटली जो कैलकुलेशन चल रहा है वो हिसाब से और ज़्यादा प्लेस शेयर मार्केट में आ सकते हैं। हालांकि रिसेंटली एक मीटिंग हुई जी ग्रुप के प्रमोटर्स, और उनके ओपन लेटर में भी सुभाष चंद्रा ने बताया है कि लंदन में वगैरह उन्होंने बहुत सारे मीटिंग्स किए कि उसके अंडर वो जी में के स्टेक को कुछ सेल करेंगे और उससे कुछ पैसे आएंगे तो उनका जो कर्जा है वो कम कर देंगे। तो इसमें और एक एस्पेक्ट है कि बेसिकली जी ने पैसे शेयर्स प्लेज क्यों किए और उनको पैसे की ज़रूरत क्या पड़ी, वो पैसे का कर क्या रहा है इतने ह्यूज अमाउंट में। एक्चुअली ये निफ्टी की कंपनी है, उसका 30% अगर प्लेज है तो बहुत बड़ा अमाउंट उन्होंने मार्केट से उठाया है लोन करके, तो उसका रीज़न क्या है वो भी जानना ज़रूरी है। तो उन्होंने पैसे यूज़ किस लिए किए, तो वो है कि उनके बहुत सारे ऐसे इंफ्रा कंपनीज है, जैसे SL इंफ्रा, मल्टी वेंचर्स वगैरह ऐसे कंपनीज है, उसके थ्रू वो अलग अलग अपार्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट बिजनेस या फिर पैकेजिंग बिजनेस वगैरह जो भी उनके बिजनेसेस हैं, तो वो बिजनेस के अलावा इनके और भी बिजनेस है, जैसे कि रोड प्रोजेक्ट, सोलर प्रोजेक्ट, ऐसे ये सब करते हैं। तो उसमें से जो कुछ प्रोजेक्ट थे वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उससे जो इंटरेस्ट के लिए पैसे आते हैं तो वो अच्छे से आ नहीं रहे थे, तो उसके वजह से उनको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ये प्रोजेक्ट के लिए जो लोन किया है उसके लिए, तो उसके लिए पैसे कम पड़ रहे थे क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स अच्छे से चल नहीं रहे थे, कुछ प्रोजेक्ट, सब नहीं। और ऐसे भी नहीं कि उनके प्रोजेक्ट्स उन्होंने NPA डिक्लेयर किए, उन्होंने उनके लेटर में बताया ही है कि बहुत सारे लोगों ने उनके प्रोजेक्ट्स ने NPA करके डिक्लेयर कर दिए थे, मगर सुभाष चंद्रा ने ऐसे लेंडर्स को या फिर जो भी पैसे उनको दे रहा है उसको नुकसान नहीं होना चाहिए करके, या फिर एक पॉजिटिव बिजनेस स्ट्रेटेजी करके उन्होंने NPA वगैरह डिक्लेयर नहीं किया, और उसका जो भी ये था इंटरेस्ट था वो खुद का स्टेक उन्होंने बेचने को भी निकाला है, प्लस उन्होंने प्लेज भी किया था जिससे वो एग्जीक्यूशन प्लस इंटरेस्ट रीपेमेंट कर रहे थे। तो अभी इसमें इशू ये आ गया है कि रिसेंटली जब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ये जो पूरा फिएस्को या फिर मैटर हुआ है इसके अंदर आयरलैंड एफएस का क्या लिंक है, तो आयरलैंड एफएस का रिसेंटली आप लोग को पता होगा कि उसके अंदर बहुत सारे जो आयरलैंड एफएस के SPVs थे, बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो डिफॉल्ट करने शुरू हो गए थे, वो एक बहुत ऑल टुगेदर बड़ा स्टोरी है, उसके लिए एक अलग से एपिसोड बनाना पड़ेगा। तो वो डिफॉल्ट होने के बाद लिक्विडिटी क्रंच आ गया था डेब्ट मार्केट में, तो बॉन्ड मार्केट में इनको पैसे उठाना या फिर पैसे जो उनके ये बॉन्ड्स है ये इंफ्रा कंपनीज के या फिर इंफ्रा प्रोजेक्ट के, तो वो रोल ओवर करना बहुत डिफिकल्ट हो गया था, जिसके वजह से उनको प्लेजिंग बढ़ाना पड़ा या फिर दूसरे रिसोर्सेस पे स्ट्रेस आने लग गया। तो ये एक आयरलैंड एफएस से इसका लिंक है जिसके वजह से रोल ओवर बहुत डिफिकल्ट हो गया जी ग्रुप को इसके इंटरेस्ट या फिर बॉन्ड के, जिसके वजह से प्लेज के शेयर्स ट्रिगर होने लग गए, वो मार्केट में आ गए, और जैसे ही शेयर गिरने लग गया तो ज़्यादा ट्रिगर होने लग गए और ज़्यादा सप्लाई बढ़ने की वजह से शेयर गिरने का फ्लो बहुत स्टिप हो गया। ओके, तो अभी फ्यूचर जो अपकमिंग चीज़ें हैं वो ये हैं कि
अगर जी ग्रुप के ऊपर रेटिंग चेंज आता है तो ओवरऑल मार्केट में उसका निगेटिव सेंटिमेंट करके लिया जाएगा, या फिर निगेटिवली ले सकता है पूरा मार्केट, तो उसके वजह से शेयर गिर सकता है। उसके बाद में उनके जो इंफ्रा कंपनीज के बॉन्ड है वो एक अलग सिस्टेमिक रिस्क क्रिएट कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी होल्डिंग में ये बॉन्ड्स हैं इनके साथ में। बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड है उनका एक्सपोजर जी ग्रुप को है, भले वो इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड के लिए 1% है 2% है, मगर ओवरऑल सिस्टम के लिए वो बहुत ज़्यादा है। खास करके आदित्य बिरला के जो डेब्ट फंड है उनका भी अच्छा खासा एक्सपोजर है, ICICI, HDFC, इनके भी एक्सपोजर इनके बॉन्ड्स को है। तो वो एक सिस्टम में रिस्क है, IL&FS के बाद एक नया रिस्क आया हुआ है सिस्टम में छोटा सा, जो कि बहुत एक्सपांड हो सकता है। और उनकी रिसेंटली मीटिंग हुई है जो NBFC कंपनीज है या फिर जो लैंडर्स है, तो उन्होंने उनको 3 मंथ्स का टाइम दिया है जिसमें उनको जी के स्टेक सेल करके अच्छा खासा लिक्विडिटी क्रिएट करना है, जिससे वो लोन चुका सके या फिर लोन से रिलेटेड जो भी पैसे है वो दे सके। ओके, तो वो एक इशू है। और अभी जो जिस पॉजिटिव न्यूज़ पे शेयर आज रीबाउंड हुआ, तो उसमें एक न्यूज़ ये भी था कि जियो, शायद रिलायंस जियो एक स्टेक, उसमें जो 20-30% स्टेक सेल करने वाले हैं वो खुद का स्टेक सेल करने का सोच रहे हैं, तो उसके अंदर बायर करके शायद जियो भी एंटर कर सकता है, जिसके वजह से उनको एक जियो, अलीबाबा और नेटफ्लिक्स वगैरह जो भी चाहते हैं उसमें इन्वेस्ट करना, तो उनके वजह से अच्छा खासा प्राइस मिल सकता है स्टेक के लिए। और ओवरऑल एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हो जाएगा कि जो Z5 उनका प्लेटफॉर्म है उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए वो इंटरनेट कंटेंट के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं पैसों के लिए, तो वो एक प्लस पॉइंट है। ओवरऑल Z का ग्रोथ तो बहुत अच्छा खासा चल रहा है, उनके रिसेंट रिजल्ट्स में भी वो रिफ्लेक्ट हुआ है, प्लस उनका जो Z5 प्लेटफॉर्म है वो भी नंबर 2 या नंबर 3 पे है नंबर ऑफ एक्टिव यूज़र्स और प्रीमियम यूज़र्स के हिसाब से, तो वो एक उनको पॉजिटिविटी अपकमिंग आ रही है। बट ओवरऑल एक निगेटिव एनवायरनमेंट जी के लिए थोड़ा क्रिएट हुआ है, हालांकि इसके बारे में कोई गारंटी से नहीं कह सकता कि क्या आउटकम निकलेगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट इट। ओके, तो इससे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ये भी मिलती है कि जब हम कंपनीज का वगैरह स्टडी करते हैं या फिर एनालिसिस करते हैं ऐसे इश्यूज़ का, तो ऐसे नए नए चीज़ें हमें पता चलती है। कि आप लोग भी अगर कभी फ्यूचर में सोचते हैं कि आपका बिजनेस निकालेंगे या फिर कोई कंपनी शेयर लेस करेंगे, तो उसके अगेंस्ट आपको लोन मिल सकता है शेयर्स के अगेंस्ट, अगर आपका मार्केट जो रेपुटेशन है, मार्केट में जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है वगैरह वो सब पॉजिटिव है, तो आप वहाँ से भी पैसे उठा सकते हैं। तो दिस इज़ अ ग्रेट लर्निंग। और एक बिजनेस स्कीम भी हमें पता चलती है कि जो बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप हैं वो सिर्फ एक ऐसे जो एंटरटेनमेंट उनका लिस्टेड बिजनेस पे डिपेंड नहीं रहते, इंफ्रा में भी उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, इंफ्रा वगैरह प्रोजेक्ट्स में जहाँ जहाँ के लिए वो पैसे ये ग्रुप को प्लेज करके वगैरह जुटाते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ लर्निंग फ्रॉम दिस ऑल इशू। ओके, तो इससे रिलेटेड और भी कुछ जो लर्निंग्स हैं या फिर इश्यूज़ हैं, क्लैरिटी मैं आपके सामने लाने की, मेरे अंडरस्टैंडिंग आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा, प्लीज़ मेरा डिस्क्लेमर रेफ़र कीजिए। और पहले भी मैंने जो वीडियोस बनाए हैं आप वीडियो सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। ओके, तो दैट वाज ऑल अबाउट जी ग्रुप एंड माय अंडरस्टैंडिंग एंड व्हाटएवर पॉइंट्स आई गॉट अबाउट इट। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, शेयर मार्केट फ्रेंड।